सबदेव भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। शांति भक्ति मंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है और आज है फाल्गुन शुक्ला एकादशी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज का आज 24वां मुनि दीक्षा दिवस है। इस उपलक्ष में अभी शांति भक्ति विधान के अनंतर आचार्य श्री की अष्ट द्रव्य से पूजन यहाँ सभी भक्तगण करेंगे। तो ध्यान देना है, पारस चैनल और जूम चैनल में बैठे भक्तों को जैसे ही पारस चैनल समाप्त हो ऋषभ देव जूम चैनल पर आप सब आ जाइएगा और शांति भक्ति विधान करके और आचार्य श्री की पूजन करेंगे। आज शांति भक्ति विधान प्रारंभ होने जा रहा है, सभी भक्तगण यहाँ पर स्थापना करने के लिए तैयार हो जाएं। जब लो शांतिनाथ भगवान की ही शांति जिन तुम शांति के दाता जगत विख्यात हो इसे तुम निगण आपके पद में नमाते मात को निज आत्म सुख पीयूष को आस्वादिते भी आप में इस हेतु प्रभु आवान विधि से पूजूं नत मात में। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरवतर संवोषताभारणम। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सनितो भव वषट सन्निधि करणम स्थापनम। चिरकाल से बहु प्यास लागी नाथ अब तक ना बुझी इस हेतु जल से तुम चरण युग जजन की मनसा जगी। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं फिर कभी आंचा नहीं। ओम रीम से शांतिनाथ जन्म राम मृत्यु नाशना जलम निरपामिति स्वाहा भवताप शीतल हेतु भगवन बहुत का शरणा लिया फिर भी न शीतलता मिली अब गंध से पद पूजिया। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं फिर कभी आंचा नहीं। बोलो मंत्र। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। बहुबार मैं जन्मा मरा अब तक न पाया पार है अक्षय सुपद के हेतु अक्षत से जजूं तुम सार है। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं फिर कभी आंचा नहीं। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षितम निरुपामिति स्वाहा। चंपा चमेली वकुल आदि पुष्प ले पूजा करूं मन सिजे विजेता तुम जज निज आत्म गुण परिचय करूं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं फिर कभी आंचा नहीं। ओम रीम श्री शांतिना जिंद्राय कामन विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। यह भूख व्याधि पिंड लागी किस विधि में छूटाऊं पकवान नाना विधि लिए इस हेतु ही तुम पूजाऊं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सुधा रघुनाशनाय विदम निरूपामिति स्वाहा। अज्ञान तम दृष्टि हरे निज ज्ञान होने दे नहीं, इस हेतु दीपक से जनु मन में उजेला हो सही। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं, ओ फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकारनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ये कर्म वैरी संग लागे एक क्षण ना छोड़ते, वर धूप अग्नि संग खेते दूर से मुख मोड़ते। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं, फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतिना जिंद्राय अष्ट कर्मधनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। बल मोक्ष की अभिलाष लागी किस तरह अब पूर्ण हो, इस हेतु फल से तुम जजो सब विघ्न वैरी चूर्ण हो। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं, फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतिना जिंद्राय मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। अनमोल रत्न त्रय निधि की मैं करूं अब याचना, जजु अर्घ ले मुझे ज्ञान मति कैवल्य हो ये कामना। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं, फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतिना जिंद्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ पंच कल्याणकाय पूर्णाघ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब मंडल पर अर्घ चढ़ाना है, पहले पुष्पांजलि करें पुनः अर्घ चढ़ाएं। झलर यंत्र को बजाते हुए और उसके स्वर को श्रवण करें और शांति भक्ति पढ़िएगा। न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम् ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्म कार्यतिन्दु पाद सलिल छाया अनुरागम रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। रुद्राशीर विषदष्ट दुर्जय विषद ज्वालावली विक्रमो, विद्या भय सज मंत्र तो यवनय याति प्रशांतिम यथा। तद्वत्ते चरणारुणाम्बुज युग स्रोतोन्मुखानां नृणां, विघ्नाकाय विनायकाश सहसा शाम्यंत हो विस्मयः। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति करा श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरदिते, पुंसाम तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयांति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत करशत व्याघात व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचन दितिहरा शीघ्रम यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। त्रैलोक्ये सर्वभंग लब्ध विजया दत्यंतरौद्रात्मकात्, नाना जन्म शतांतरेषु पुरुतो जीवस्य संसारिणा। को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान्, श्याते तव पद पाद पद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवर्तित ज्ञानैकमूर्ते विभो, नाना रत्न पिनद्य दंड रुचिर स्वीतात पत्रत्रय। त्वत्पादद्वैपूत गीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया, दर्पाद्मात् मृगेन्द्र भीम निनिदान् ध्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणां सर्वोग्नाशकाय श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निरूपामिति
दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्री मेरुचूड़ामणि भासत बाल दिवाकर द्वितीयर प्राणिष्ठ भामंडल अव्यवाद मचिंत्य सारमतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम सौष्ण्यम त्वचरणारविन्द युगल स्तुत्यै विप्रं प्राप्तये। ओम रीम स्तवन प्रसाद स्तोत्रिणाम चिंत सार सौख्य प्रदायक श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निरपामी स्वाहा। यावन्नो दयते प्रभा परिकरा श्री भास्करो भाषयन् तावद्धारयति पंकजवनम निद्राति भारश्रमम्। यावत् चरणद्वयस भगवन् न स्यात् प्रसादोदया स्तावज्जीविनिकाय शवहति प्रायेण पापं महे। ओम रीम चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाश काश शांतिनाथाय निरपामिति स्वाहा। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनस त्वत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तले स्वहुआ शांतर्थिना प्राणिना। कारुण्यान् मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वय देवतस्य गततः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ॐ ह्रीं सपाद पद्माश्रय शान्त्यर्थ भक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शान्तिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। शान्तिजिनं शशि निर्मलवक्त्रं शीलगुणव्रत संयम पात्रम् अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम् नौमि मिजनोत्तमम् अम्बुजनेत्रम्। ॐ ह्रीं शीलगुणव्रत संयम पात्र अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। पंचममीप्सित चक्रधराणा पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणेश शान्तिकरं गणशान्तिमभिप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि। ॐ ह्रीं पंचम चक्रे षोडश तीर्थंकरा श्री शान्तिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। दिव्यतरु सुरपुष्ट सुरष्ट दुन्दुविरासन योजन घोषो आतपवारण चामर युग्मे यस्य विभाति च मंडल तेजः। ॐ ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रात्या समन्विता श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। तं जगदर्चित शांति जिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तुच्छतु शांतिं मय्यमरं पठति परमां च। ॐ ह्रीं ओम नीम सर्वगणा स्तुति पाठ का मह्यम च परम शांत करा श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। एव्य अर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्न शक्रादि भी सर्वगण स्थित पाद पद्मा तेमेजना प्रवरवंश जगत प्रदीपा तीर्थंकरा सतत शांति करा भवन्तु। ओम रीम शक्रादि भी स्थित पाद पद्मा सतत शांति करा श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम रीम संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति करा श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रबोध बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यग् वर्षत मग्वा व्याधियो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चारि मारि जयक्षणमपि जगताम् भूज्जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रवतु सततं सर्वसौख्य प्रदायि। ओम रीम क्षेम नृपति समय क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकार काय आदि व्याधिक्ष चौरमारी कष्ट निवार काय सरसौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तिकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। प्रदस्त गाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृष्वाद्या जिनेश्वरः। ओम रीम केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृष्वादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। गुणार्घ लीजिए। ओम रियारम पंचमहाकल्याण अष्टमा प्रात्या चतुर्थिंशत्सय समन्वित द्वात्रिंशत इंद्रगण चक्रवर्ती बलिदेव वासुदेवादि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशत तीर्थंकरेभ्यः पूर्णार्घ्यं निरपामिति स्वाहा। शांतये शांतारादि पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ओम रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु रीम नमः। जय माला। हस्तिनागपुर में हुए गर्भ जन्म तप ज्ञान सम्मेदा चल मोक्ष थल गाऊं प्रभु गुणगान।
मैं नमो शांति तीर्थ सिखो नाथ मेरे हरो सर्व भव क्लेश को पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना विश्वसेना प्रिया माता ऐरावती वर्ष 1,00,000 आयु कनक वर्णी पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना दे 40 धनुष चिन्ह मृग ख्यात है जन्म भू हस्तिनापुरी विख्यात है पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना नाथ के समस्रति में समा मध्ये साधु 62 सहस मूल गुण धारी थे पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना चक्र आयुध प्रमुख गणपति श्रेष्ठ थे रिद्धि संयुक्त 36 मुनि ज्येष्ठ थे पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना आरिकारी सेना प्रधाना तथा 60,300 सभी आरिका पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना दोयलक्षा सुश्रावक प्रभु भक्तिका 4,00,000 कहीं श्राविका सद्व्रता पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना सौके तू भटकता पिरा विश्व में किंतु पाई न साता कहीं रंच में पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना नाथ ऐसी कृपा कीजिए भक्ति पे शुद्ध सम्यक् की प्राप्ति होवे अबे पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना स्वात्म परिका मुझे भेद विज्ञान हो पूर्ण चारित्र धारू जो निष्काम हो पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना पूर्ण शांति जहाँ पे वही वास हो भक्ति ये आपका आपके पास हो पूरिए नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना तीर्थंकर चक्री मदन तीनों पद के ईश पूर्ण ज्ञान मति है तुम्हें नमो नमो नत शीश ओम रीम से शांति राजेंद्रा जयमाला महार्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांत शांतारा दिव्य पुष्पांजलि जो भव्य शांति भक्ति का विधान ये करें वे आदि व्याधि दुख शोक दुख का शमन करें संसार के संपूर्ण सौख्य संपदा धरें कैवल्य ज्ञान मति से निजात्म सुख भरे इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत जब लो शांतिनाथ भगवान की जय और आज हमने जैसा बताया पूज्य आचार्य श्री सप्तम पट्टाचार्य शनिकांत सागर महाराज का आज 24वां मुनि दीक्षा दिवस है आचार्य निकांत सागर महाराज जी गोटे गांव मध्य प्रदेश में के निवासी दीपक जैन के नाम से प्रसिद्ध थे और षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज से इन्होंने उदयपुर राजस्थान में आज से 23 साल पहले जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करके अनेकांत सागर नाम प्राप्त किया और बड़े ही पुण्य प्रभाव से और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर महाराज जी एवं संघस्थ हारिका प्रज्ञामती माता जी आदि समस्त साधुओं के आचार्य अनुभव सागर महाराज जी आदि सभी के सम्मति से आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज ने इन्हें सप्तम पट्टाचार्य का पद सौंपा पुनः अभी राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से आपका मंगल पदार्पण हुआ
आजकल कैलाश नगर दिल्ली में आचार्यशी का प्रवास चल रहा है और वहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान की भी आराधना खूब प्रभावना के साथ चल रही है। आज उनके दीक्षा दिवस पर हम सब मिल करके आचार्यशी की पूजन करेंगे और जयमाला में 24 श्रीफल के साथ आचार्यशी को महाअर्घ्य समर्पित किया जाएगा। तो अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा आचार्यशी के प्रति विनयांजलि और उसके पश्चात सब लोग मिलकर के पूजा करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, जैसे ही पारस चैनल समाप्त हो सभी लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आकर के आचार्य परमेष्ठी की पूजन कीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भद्यात्माओं, हम और आप सभी निश्चित ही इस पंचम काल में जन्म लेकर भी भाग्यशाली हैं कि जो सम्यक्त रूपी रत्न प्राप्त हुआ और अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र, अनादि निधन चतारी मंगल पाठ, अनादि निधन शाश्वत अयोध्या जन्मभूमि और अनादि निधन शाश्वत निर्वाण भूमि आदि तीर्थ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। आज बहुत पुराना संस्मरण याद आ रहा है कि जब सन 1962 में लाडनू में चातुर्मास हुआ था, आचार्य श्री शिवसाज महाराज के संघ का, हम लोग सब संघ में ही थे, मैं भी आरिका संघ सहित अपने संघ में ही थी। और उस समय हमारे संघ में आरिका बिनमती, आरिका आदिमती आदि आरिकाएँ थीं, पद्मावती आरिका, कई आरिकाएँ थीं, छुलिकाएँ थीं, दो छुलिकाएँ थीं। उस समय हम जो है लाडनू में आचार्य श्री शिवसाज महाराज से संघ आज्ञा लेकर के समय शिखर यात्रा के लिए निकले थे। तो संघ में हमारा गृहस्थाश्रम का छोटा भाई प्रकाश चंद, वो उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी और वो साथ में ही आ गए थे। संघ में एक ब्रह्मचारी थे अजमेर के, बुढ़े थे, वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, बाल ब्रह्मचारी थे, मेरे परम भक्त थे। उनकी बहन भी उनके साथ एक थी गलकूबाई नाम से, और भी दो तीन ब्रह्मचारियाँ थीं साथ में। हम लोगों ने समय से घर यात्रा के लिए प्रस्थान किया, विहार किया, और रास्ते में प्रकाश चंद भी साथ में थे। भगवान की पेटी लेकर चलना, भगवान जिसमें विराजमान रहते थे उनकी पेटी लेकर चलते थे, और साथ में कंधे पर पेटी रखते थे और एक हाथ में कोई ना कोई माता जी का कमंडल ले लेते थे, कभी मेरा ले लेते, कभी दिनमती जी का, आदिमती का, किसी न किसी का कमंडल लेकर चलते थे पैदल। समय शिखर की यात्रा निराबाद वहाँ से निकल करके और सन 1963 में कानपुर, लखनऊ, त्रियोग और टिकैत नगर आदि होते हुए और चंपापुरी, पावापुरी की यात्रा करते हुए समय शिखर में पहुँची हूँ ज्येष्ठ के महीने में। और ज्येष्ठ के महीने में 6 महीने लगभग हमको समय शिखर की यात्रा पहुँचने में लगा है, लाडनू से विहार होकर के, और समय शिखर पहुँचने में लगभग 6 महीने का समय लगा। और सब हमारी कहा सब उस समय पद विहार ही करते थे। भयंकर सर्दी भी रास्ते में पड़ी और भयंकर गर्मी भी आ गई, और बराबर सर्दी गर्मी का सहन करते हुए और कोई परवाह न करते हुए दोनों समय चलते थे, सामायिक करना चलना। और पुनः 1963 का चातुर्मास भी मेरा कलकत्ते हुआ था लोगों के आग्रह से, और आचार्य श्री की शिवसाज महाराज जी के विशेष आज्ञा से, विशेष आग्रह से। तो बात यही है कि उनकी पुत्री सुपुत्री इंदु, कुमारी इंदु हमारे संग में रह रही हैं, हमें गौरव है, प्रसन्नता है। बाद में उनके भाई कैलाश चंद उन्हें संग से ले आए थे और बाद में उनकी शादी हुई है। उसके बाद उनके आज 4 पुत्र हैं, वीर कुमार, क्या नाम है हम तो भूल गए, वीर कुमार, राजन जैन, अकरंग जैन और निकरंग जैन।
हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि सभी धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। अकलंक तो प्रतिष्ठाचार्य भी बन गए हैं, प्रतिष्ठाएँ भी कराते हैं, सभी गृहस्थाश्रम में हैं। और अभी गत वर्ष दो वर्ष पूर्व टिकैत नगर में चौमासा हुआ, उससे पूर्व उन्होंने जो है टिकैत नगर में राजन ने अपनी फैक्ट्री के एक स्थान पर एक तरफ छोटी सी जगह में सुंदर भगवान विराजमान के भगवान ऋषभदेव, दूसरा ऋषभगिरी नाम दिया, छोटी सी पहाड़ी जैसी बनाई, भगवान विराजमान किया, एक तीर्थ जैसा बना दिया है। घर में भी चैत्यालय है उनके टिकैत नगर में, लखनऊ में भी बराबर धर्माराधना करते हैं सभी भाई बहन और सब लोग मिलकर के, पूरा परिवार धर्म से ओतप्रोत है। आज हमारी इंदू उसी उपलक्ष्य में विधान भी कर रही थी। बात यही है कि आज भले वो संसार में नहीं है और आज के दिन ही उन्होंने शरीर को छोड़ा था धर्म ध्यान पूर्वक, ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व के लिए बहुत बहुत हमारी मंगला प्रेरणा, मंगल आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म आराधना में, धर्म कार्यों में आगे से आगे बढ़ते रहें। और अब जो है मैं आगे चलूं तो हमारी इस आचार्य सांसार जी की परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अन्यकांसार जी महाराज के आज मुनि दीक्षा दिवस है और सुबह से ही उनका संपर्क बन गया, बराबर हमारी चर्चा भी हुई। मैं तो बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य श्री सतायु हों, दीर्घायु हों और हमेशा जैन शासन की प्रभावना करते रहें। और आज दिल्ली में विराजमान, दिल्ली में तो 100 कॉलोनियाँ हैं, सभी जगह भ्रमण करके धर्म की प्रभावना करते रहें, उनके प्रति मेरी यही मंगल भावना है। और इस प्रकार से जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी धर्म की उन्नति भी करते हैं, संघ का संचालन भी करते हैं और साधना अपने आत्म ध्यान और जप जाप अनुष्ठान आदि में भी अपने समय को, स्वाध्याय आदि में अपने समय को व्यतीत करते हैं, संघ का संरक्षण करते हुए, संवर्धन करते हुए और इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें, यही उनके प्रति मेरी नमोस्तु करते हुए मंगल कामना भावना। और अब जो है आचार्य श्री की पूजा करेंगे, आप लोग सौभाग्य तरफ से आचार्य श्री की पूजा करेंगे।